बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। और दोस्तों, इससे पहले हमने एक पेपर शुरू किया था जूनियर क्लर्क, जो एस एंड जी ए डी डिपार्टमेंट, उसमें मैं सिर्फ दो पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं। फिर किसी दोस्त ने बताया कि ये पेपर आप ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो उसी सिलसिले को मैंने मुनक़ते कर दिया, उसको उसी पर छोड़ दिया। उसके बाकी पार्ट्स मेरे चैनल पर पड़े हैं, जिन दोस्तों को चाहिए तो उसको विजिट करके देख सकते हैं। आज दूसरा एक पेपर शुरू करते हैं। ईटा 2019 में जूनियर क्लर्क का एक पेपर हुआ था पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है दोस्तों। तो ये पेपर देखिए, 2019 ईटा का पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, और आज इस सिलसिले का पार्ट वन है। आज पहला पार्ट अपलोड करते हैं, उम्मीद है इसको इंशाल्लाह ताला 4 से 5 पार्ट्स में अपलोड कर देंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए क्वेश्चन पेपर आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास देखिए पेपर है, ईटा का पेपर। जिन दोस्तों ने ईटा का पेपर दिया तो उसको पैटर्न का पता होगा, और ये टाइप डी का पेपर है। ऊपर लिखा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर क्लर्क अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट इन अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर रोल नंबर लिखना है आपने, नाम लिखना है, इसके टोटल मार्क्स 100 मार्क्स है और 90 मिनट इसका टाइम है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वन, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लिया हुआ है और बहुत मुश्किल क्वेश्चन लिया हुआ है, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन लिखा हुआ है, एहसान क्रॉसिस अ 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट्स, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर हावर। एहसान किसी स्ट्रीट को जो कि 600 मीटर लॉन्ग है, 5 मिनट में क्रॉस करता है, तो इसका स्पीड किलोमीटर में हमने मालूम करना है पी घंटा की रफ्तार से। इस क्वेश्चन को कॉपी करके मैं एमएस वर्ड में लिख चुका हूँ, वहाँ से देख लें। यहाँ से पहले क्वेश्चन को सही तरह समझ लें दोस्तों। दिस इज द क्वेश्चन, देखें, दिस इज द क्वेश्चन। एहसान क्रॉसिस अ 600 मीटर लॉन्ग ब्रिज, ब्रिज लिखा हुआ वहाँ पर, स्ट्रीट लिखा हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, स्ट्रीट और ब्रिज कोई बात नहीं। इन 5 मिनट्स व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर हावर। तो ठीक है, चलो इसको स्ट्रीट ही कर लेते हैं ताकि हमारा कुछ शक शुबा ही ना रहे, स्ट्रीट। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो हमें दिया गया है वो मीटर में है टाइम, और टाइम दिया गया मिनट्स में, और पासिला मीटर में दिया गया है, और हमने मालूम करना है किलोमीटर और घंटा के लिहाज से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या है। स्पीड का फार्मूला हमारे पास है, याद रखें, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस, उसको डिवाइड करना है डिवाइडेड बाय टाइम, उसको टाइम से डिवाइड करना है। अब देखिए, अब जो यूनिट्स दिए गए टाइम्स के, मिनट्स जो है ना दरमियान में, इससे नीचे सेकंड है, ऊपर घंटा है, तो सबसे पहले हम 5 मिनट्स को कन्वर्ट करते हैं सेकंड में। 5 मिनट्स इज इक्वल टू 5 मिनट्स, 5 ज़रबे 60 इज इक्वल टू 300 मिनट, 300 सेकंड्स। 5 मिनट में 300 सेकंड्स होते हैं। तो अब हमारे पास स्पीड, देखे स्पीड का फार्मूला हमारे पास होता 600, हमारे पास स्पीड था मीटर, और इसको सेकंड में कर लिया तो क्या हो गया, 300 हो गया, इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। स्पीड कम आ गया, 2 मीटर, 1 सेकंड में 2 मीटर का फासिला तय करता है, 1 सेकंड में 2 मीटर का फासिला तय कर। अब इसी को कन्वर्ट करना है किलोमीटर और घंटा में। तो हमें पता है दोस्तों कि 1 मीटर जो है, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो इसको आपने लिखना है, ऐसे लिखना 1/1000 किलोमीटर, ठीक है, 1/1000 किलोमीटर ऐसे लिखना है। अच्छा, अब सेकंड्स को घंटों में तब्दील करना है, सेकंड्स को घंटों में तब्दील करना है, ठीक है दोस्तों। इसको कैसे लिखना है, ये हमारे पास इसका आएगा किलोमीटर, किलोमीटर। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि आसानी रहे कि
वन सेकंड, अब यहाँ पर लिखना है वन एक सेकंड में कितने घंटे होते हैं, वन सेकंड इज इक्वल टू, ये देखें वन सेकंड इज इक्वल टू एक वन ओवर 3600, वन ओवर 3600, तो इसको हमारे पास ये आ जाएगा 3600 हर घंटे HR। अब दोबारा देखिए वही फार्मूला अप्लाई करना है, ये मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड, तो देखिए मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड को कैसे करेंगे हम, यहाँ पर अपने दो लगाना है, यहाँ पर दोबारा हमने क्या करें ये लगा ले, टाइम लगेगा लेकिन आप समझ जाएंगे दोस्तों, देखें ज़रा हमारे पास मीटर जो है ना वन ओवर दिया गया और नीचे सेकंड्स को देखें, इसको वन ओवर 3600 लगाना है, वन ओवर 3600 किलोमीटर पर हावर होगा, ये किलोमीटर पर हावर बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, इसको अगर आपने सॉल्व करना है तो ये हमारे पास आएगा ये उलट हो जाएगा, डिवाइड को अगर हमने मल्टीप्लीकेट में शामिल करना है तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, देखिए दोस्तों ये हमारे पास आ जाएगा 3600 और डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा, ठीक है। इसको मजीद अगर आप सॉल्व करोगे तो इसके क्रॉस हो जाएगा, इसका 18 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, इसको मजीद अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन अब इसको दो से ज़रब देना है क्योंकि वो दो एक सेकंड में देखना, दो टू से मल्टीप्लाई करना है इसको, ये अब इसी को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो 18 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। अब इसको अगर आप हल करोगे तो 7.2 किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका देखिए कि इसका आंसर हमारे पास क्या है, इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर टू को जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर टू, चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस का इंतखाब करना है क्वेश्चन नंबर टू, तो ये देखिए ही इज वेल नोन फॉर हिज विकेडनेस, विकेडनेस शैतानी कामों को कहते हैं, विकेडनेस शैतान, तो शैतान के लिए कोई मशहूर नहीं होता, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी को देखिए, ही इज फेमस फॉर हिज विकेडनेस, ये फिर फेमस आ गया, वेल नोन और फिर फेमस। ऑप्शन सी जो है ना, दिस इज द करेक्टनेस, ही इज नोटोरियस, बदनाम है, नोटोरियस बदनाम को कहते हैं फॉर हिज विकेडनेस, ही इज फेमिलियर फॉर हिज विकेडनेस, करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर तीन को देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, चूज द करेक्ट स्पेलिंग अकम्प्लिश, AOOMPLSI, अकम्प्लिश देखे, अकम्प्लिश अकम्प्लिश, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर फोर को जरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर को देखें दोस्तों, करेंसी ऑफ जर्मनी, जर्मनी का करेंसी जो है दैट इज यूरो, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर फाइव देखें, क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द बुक, विच होली बुक इज कॉल्ड ओल्ड टेस्टामेंट, सबसे पुरानी किताब आसमानी किताब, तौरात, ऑप्शन बी है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखें, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे पास है, दिस वन विच आर पाकिस्तान मेजर सीजन फॉर एग्रीकल्चर, कब्जरी पैदावार के अहम जो सीजन है वो खरीफ और रबी है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर सेवन को देखें, क्वेश्चन नंबर सेवन, वी ब्लैंक स्पेस है टू मरी फॉर आवर हॉलीडे, लास्ट ईयर के लिए हैड गॉन, पास परफेक्ट टेंस है तो ऑप्शन बी आएगा, वी हैड गॉन टू मरी फॉर आवर हॉलीडेज लास्ट ईयर। क्वेश्चन नंबर एट को देखें, क्वेश्चन नंबर एट, इन एमएस एक्सेल विच फीचर यू चूज टू क्रिएट अ बार डायग्राम, डायग्राम कोई भी चूज करें तो आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है फिर चार्ट में जाना है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर नौ को देखें, क्वेश्चन नंबर नाइन को देखें दोस्तों, इन एम एस एक्सेस विच की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड, नॉट ओनली इन एम एस एक्सेस,
बल्कि जितने भी डेटाबेसिस है ना दोस्तों, तो उन तमाम में प्राइमरी की जो है ना वो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। और आखिरी क्वेश्चन आज का पेपर का देखिए, आज की वीडियो का, इन एमएस पावर पॉइंट इज द बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट स्लाइड क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाते हैं हम पावर पॉइंट्स में, और प्रेजेंटेशन इज द कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स, देयरफॉर द बेसिक यूनिट ऑफ प्रेजेंटेशन इज स्लाइड। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो लंबी हो रही है दोस्तों, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पेपर में अपलोड करते जाएंगे। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आ गई है, समझ गए, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।